अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीती है बहसते सांसद। मेरे आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बरक को, एसटी हसन को, मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जीता। यारे तुम कहां जीते, अगर तुम अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा बीएसपी वाले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया, क्या तकरीर हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से, उठाकर पढ़िए अखिलेश यादव की तकरीर को। ट्रिपल तलाक में कानून आया ट्रिपल तलाक का, वो बात कर रहे हैं मैंने यूपी में इतनी बड़ी रोड बना दी, कानून बन रहा ट्रिपल तलाक का, बोले कि मैं तो वो रोड बनाया, कानून पे नहीं बात किए, पतली गली से निकल गए बच के। मोदी को नाराज नहीं करना है, मुझ पर और हमारी जमात पर इल्जाम कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर मैं बोलता वो बात तो ये समाजवादी पार्टी में जो अपना ईमान बेचकर बैठे हुए हैं वो बोलते ओवैसी को खबर की जगह नहीं देंगे हम। मगर मुलायम सिंह यादव ने कहा मोदी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ, तो नरेंद्र मोदी खुश होकर नमस्ते कर दिए उनको खड़े होकर। और मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो मुझे कहा जाता है कि नहीं ये वोट काटने को आया है। वोट काटने मैं आया 2019 के लोकसभा के चुनाव में, सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 MP जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए, CSGS का डेटा है। आजम खान जीते अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बरक को, एसटी हसन को, मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जीता। यारे तुम कहां जीते, अगर तुम अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और बीएसपी वाले। अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए, वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह MLA जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो, वो कितने लोगों ने देखा हाथ उठाओ, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ, हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए,
अभी हमने काली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाल्लाह जब असमौली से यहां से मंजलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में एक हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमोली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए? मोहतरमा विधायक तो माशाल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमोली के मुसलमानों को और दलितों को यह बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दलो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में और लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमोली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मजलिस का साथ दीजिए, मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमोली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम पर इल्जाम लगता कि हम फिरका परस्ती भड़काव भाषण देते हैं। कौन सा भड़काव भाषण देते हैं? अगर मैं मजलूम की बात करूंगा, अगर मैं इंसाफ की बात करूंगा तो भारत के संविधान में तो यही लिखा गया है ना, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी की बात फंडामेंटल राइट है। भारत के संविधान में प्रियाम्बल में बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी जस्टिस। ये कैसे हासिल होगा? फिर खाली तकरीर से हासिल होगा नहीं, वोट डालकर, अपनी क़यादत को बनाकर, अपना हिस्सा लेकर लिबर्टी इक्वालिटी फटर्निटी जस्टिस को हासिल किया जा सकता है। ये शऊर आपके अंदर पैदा होना जरूरी है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, अभी हमको बताया गया कि लॉकडाउन में इसी गांव में मस्जिद के इमाम साहब को हजरत पुलिस ने, मोहब्बत से बोलते हैं हम, हजरत पुलिस ने इमाम साहब को जोतकोप किया, मारा। मोहतरमा विधायक को फोन गया तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, मार खाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब हम हमारे बुजुर्ग पर लाठी पड़ रही थी, उनको जोत कोप किया जा रहा था, मारा जा रहा था, जब आप ऐसे वक्त में मदद करने नहीं आए, अब चुनाव आएगा तो बोलेंगे दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे हमको वोट दे दो। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी हैं ये लोग, दे दो बाबा अल्लाह के नाम पे दे दो, सेक्युलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा, बाबा दे दो हमको, हमें छोड़ दो, हम माफी माफ कर दो, हम आपके पैर छूते हैं। और मुसलमान जज्बाती है, वो देख के बोलेगा यार आंसू निकलता है ना हमको, जज्बात में आ जाते हैं, माशाल्लाह से इतना गोश्त खाते हैं कि जज्बाती हो जाते हैं, और खाना भी चाहिए, प्रोटीन ताकत बनती है। देता तो कोई ही नहीं बाबा, ना ये मुख्यमंत्री बाबा देते, ना वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते, मगर जज्बात होश के साथ,
जज्बात अपनी औलाद के साथ, जज्बात अपने मुस्तकबिल के साथ, जज्बात इन नाइंसाफी के खात्मे के लिए, जज्बात में आकर जालिम का साथ नहीं देना, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपका इस्तेसाल किया, जज्बात में आकर उसका साथ नहीं देना जिसने आपको खिलौने देकर आपकी पीठ में खंजर घोंपा, जज्बात के साथ अपनी पार्टी मजलिस को कामयाब करिए, यह सही जज्बात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हमको यह भी दिया गया कि इस गांव में बहुत पहले एक कॉलेज था, कॉलेज बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्या मैंने बंद किया? क्या हमने बीजेपी से सौदा कर लिया कॉलेज बंद कर दो? हमको तालीम से महरूम कर देती हैं, फिरका परस्ती का इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। बताओ आप, उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है? उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है आपको मालूम? कितने मुसलमानों के पास होगी 5 एकड़ जमीन? 2% भी नहीं है, 1.70% मुसलमानों के पास 5 एकड़ जमीन है, 2% भी नहीं है। और ये लोग आकर बोल रहे हो ऐसी की बात का यकीन मत करो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुमने हमको इन तमाम चीजों से महरूम कर दिया। ओवैसी हक दिलाने की बात कर रहा है, ओवैसी इंसाफ की बात कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। और फिर अजीज दोस्तों, जो मुझे आकर सेकुलरिज्म की का पाठ पढ़ाते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं मुझे अपना पाठ मत दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान मत दो। मैं बीजेपी से पूछना चाह रहा हूं, मैं आरएसएस के मोहन भगवत से पूछना चाह रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, जो बार बार ये कहते हैं मुसलमान में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, बोलते हैं ना मुसलमान रेडिकलाइज हो रहा है, अंग्रेजी का वर्ड, हिंदी में कट्टरता कहते हैं उसको, कहते हैं ना, जहां दाढ़ी दिखी वो कट्टरता आ गई इसमें, जहां नारे तकबीर बोलो अल्लाह अकबर तो बोलेंगे यार ये तो कट्टरता की बात करता है, और मोदी जी यूं यूं करके नारे मारेंगे तो वह कुछ भी नहीं। अब हम ये जानना चाह रहे कि जो धर्म संसद के नाम पर उत्तराखंड हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ रायपुर में क्या कहा गया था, कौन थे वो लोग, कट्टरता रेडिकलाइजेशन इंतहा पसंदी किस पे बढ़ रही है? आपने तो मुसलमानों को कह दिया रेडिकलाइज, मगर ये कौन लोग हैं बताओ जो रायपुर में खड़े होकर कहते हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। याद रखो हमको खत्म करने वालों, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान मुबारक से इरशाद फरमाया था काबतुल्लाह को देख कर, कहा कहे काबा मेरी उम्मत की अजमत तुझसे बढ़कर है, हम नहीं मिटने वाले, हमसे है जमाना जमा, हम नहीं तो जमाना नहीं। याद रखो हमको मिटाएंगे, भारत के संविधान को मिटाएंगे। मुसलमान को मिटाने की बात करने वाले अंबेडकर के संविधान के दुश्मन हैं, ये भारत के दुश्मन हैं। मैं मुसलमान हूं मगर मुझे इस वतन से मोहब्बत थी है और रहेगी, मगर कौन है ये लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं? बताइए नरेंद्र मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, बताइए मोहन भगवत जी, ये कौन लोग हैं जो हमको मिटाने की बात कर रहे हैं, भारत के शहरियों को मिटाने की बात कर रहे हैं, और अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, अभी तक एक को गिरफ्तार नहीं किया गया, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। और भाइयों बुजुर्गों, अखिलेश यादव आजकल कह रहे हैं कि मुझे ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, बीजेपी वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेकर पुकारती है, ये राम को देखते हैं
वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आप जाइए राजभवन जाइए बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में ये है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरों दीवार को नारे तकबीर और अंबेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। ये क्या बात है कि जो 50,000 हैं वो 1,37,000 का के ऊपर हुकूमत करें विधायक बनाएंगे, हमसे बड़ा कौन सेक्युलर है फिर? क्या तुमने अकील रहमान को वोट नहीं दिया, मोहतरमा को वोट दिया? क्यों दिया? कि कल तक कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास एक विकल्प है। और ये तमाम सेकुलर पार्टियां कैसी है मालूम आपको? आपको गांधी जी का 3 बंदरों का किस्सा सुना होगा, आपने सुना होगा ना? ए वो तो जापान की 17वीं सेंचुरी की बात है जहां से निकला था ये। एक बंदर आंख बंद कर लेता है, एक बंदर मुंह बंद कर लेता है, एक बंदर कान बंद कर लेता है। आप अकेले से कहिए अरे भैया मुजफ्फरनगर के कांड में इंसाफ नहीं हुआ, आंख बंद कर लिए। आप अकेले से कहिए कि भैया हरिद्वार में समाजवादी पार्टी है हमको मारने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस से कहिए कि रायपुर में आपकी सरकार है कैसे फंक्शन करने दिया, तो कांग्रेस और अखिलेश कान में उंगली डाल लेंगे, जबान को बंद कर लेंगे, अरे ये कैसे 3 बंदर तुम बैठे हो। याद रखो इन 3 बंदरों को पहचानना है जो आंख बंद कर लेते दलित और मुसलमान पर जब नाइंसाफी होती है, जब दलित और मुसलमान के इंसाफ की बात होती है तो अपनी जबानों पर हाथ रख लेते हैं, जब हम पुकारते हैं मदद के लिए कि मौलाना को मारा जा रहा है पुलिस से आओ बचाओ, तो कान में उंगली डालकर अपने फोन को बंद कर लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाओ, अपनी पार्टी का साथ दो। भारत की जमहूरियत को मजबूत अगर करना है, उत्तर प्रदेश में आपको अपनी आवाज को और अपने हिस्से को हासिल करना है, तो इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए। मजलिस यही चाहती है कि तमाम लोगों को उनका इंसाफ मिले। मैं यहां पर CAA के कानून के खिलाफ जो संभल में एहतजाज हुआ था, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुभाना व तआला शहरोज उस्मानी को और मोहम्मद बिलाल को अल्लाह उनकी मगफरत करे। ये शहीद हैं, ये मुर्दा नहीं है, याद रखो। इनको गोली मार कर इनकी जान ले ली गई, ये शहीद है, हम इनको शहीद मानते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि इनको मुर्दा मत कहो, इनको गिजा मिलती तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है। अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों को मिला दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में। मेरी आप तमाम से फिर से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर असमोली के विधानसभा में आप मजलिस का साथ देंगे नहीं देंगे? क्या आप तमाम लोग मजलिस का साथ देंगे? तो मेरे साथ हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।